कहा कि फ्री वैक्सीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान, बोले मुफ्त वैक्सीन हर भारतीय का अधिकार, सभी को मिले। बिहार चुनाव में बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। जेडीयू सांसद जलालचंद्र गोस्वामी हुए कोरोना से बीमार, कटिहार में चुनावी सभा के दौरान हुए संक्रमित। बिहार चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों का होगा कोरोना टेस्ट, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिला प्रशासन को लिखी चिट्ठी। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित 2200 से ज्यादा मरीज, रिकवरी रेट में सुधार, 92% से पार। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ बीजेपी की मुहिम, आईटीओ इलाके में चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना की वजह से मुंबई के में मुंबा देवी मंदिर बंद, श्रद्धालुओं को पुलिस ने वापस लौटाया। झारखंड की रामगढ़ में दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना का टेस्ट, जिला प्रशासन ने लगाया जांच शिविर। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना वॉरियर्स की झलक, छोटी छोटी मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया। केरल के त्रिशूर में कोरोना से इलाज में लापरवाही का लगा आरोप, मरीज के परिवार के मुताबिक बेड्स हाथ बांधने की वजह से गिरा मरीज। यूपी के फिरोजाबाद में 16 साल की छात्रा की हत्या, 3 लड़कों ने घर में घुसकर मारी गोली। फिरोजाबाद में छात्रा की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी, पुलिस ने 3 टीमें गठित की। अलवर महन की भाई ने ली जान, फोन पर खुद पुलिस को दी सूचना। राजकोट में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके भाई की हत्या की, बाद में अपने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल की बर्धमान में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया, नशे की हालत में ड्राइविंग करने का आरोप। उत्तराखंड का कीचा जिला सफाई की वजह से चमका, हासिल किया 4th स्थान। कीचा के विधायक राजेश शुक्ला ने सफाई कर्मियों के धोए पैर, भेंट की वर्दी। हिसार में पराली जलाने के आरोप में नंबरदार को किया गया सस्पेंड। गुना में कलेक्टर के खुले पत्र की हर तरफ चर्चा, सानिया निवासियों को काम से संतुष्ट होने पर ही होगा भुगतान। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, देर रात तक रही अफरा तफरी। राजस्थान के दौसा में यात्री बस के आगे आई गाय, पलटी बस, 50 यात्री घायल। जींद में धरने पर बैठी गैंगरेप पीड़िता को कार ने कुचला, एसपी ऑफिस के आगे पीड़िता दे रही थी धरना। हादसे के बाद देर रात तक तड़पती रही पीड़िता, तमाशबीन बनी रही हरियाणा की पुलिस। पीड़िता ने 4 महीने पहले पुलिस से गैंगरेप की शिकायत की थी, पति समेत ससुराल वालों पर लगाया था आरोप।